हैप्पी होली। दावत खिलाने के बहाने रंग लगा दिया है, ये देखो सबके सबके रंग है सबके। होली चल गई है, होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और देख ही रहे होगे आप कि आज लोकेशन कुछ और है। मैं यही हूँ ग्रेटर नोएडा में। ब्लॉग हमारा जो है कल का यार कुछ गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए मैंने आपको इंस्टेंट अपडेट दिया। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ, होली है, सबको पता है, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। भगवान सबको खूब खुशियाँ दे, रंग भर दे ज़िंदगी में सबकी। और मैं जा रहा हूँ अभी अपने गांव। आ यार ये देखो कितना प्यारा है। कौन से है यार ये, क्या है ये, बेल है क्या? ये प्यारी है, ये सुंदर है। चलो जी चलते हैं फिर यहाँ से गांव की तरफ पर रवाना। सीट बेल्ट टाइट, होम कार जाएगा अपने घर। उसे कुछ काम भी है तो वो बाद में निकलेगा, और फिलहाल निकलता हूँ मैं। ये बाहर जाएगा बस शॉप तक, इसको शॉप तक छोड़ूंगा। छत में से कितनी आवाज आ रही है? शुरू कांड से। चलो मुझे तो मिशन उतार दो बाबू यार। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे आ गए भाई। ये जो दिल्ली NCR के चारों तरफ जो बना हुआ है ना एक्सप्रेस वे, एक रिंग फॉर्म कर दी है, तो उसे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे जिसको KMP भी कहते हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ईस्ट और वेस्ट दो पार्टों में कर दिया। तो ईस्ट वाला जो पार्ट है वो UP को जोड़ता है बेसिकली। उसमें UP में गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, शायद सिकंदराबाद अगर इसमें आता हो बुलंदशहर में तो वो भी है। बाकी ये हरियाणा में दूसरा जो पार्ट है वेस्टर्न वाला। यहाँ से ग्रेटर नोएडा से ये सिरसा वाला कट है कासना के आगे जाके, ये जाता है सीधे सिरसा के और आगे जाके है ये। यहाँ से अगर आप चढ़ जाओगे और आपको यूपी की तरफ जाना है तो आपको पहला कट जाएगा ये, थोड़ी सी दूरी पे जाके मिलाएगा सिकंदराबाद पे, जो कि आप सिकंदराबाद वाले कट से आप एक तो निकल जाओगे या तो लेफ्ट जाओगे तो गाजियाबाद के लिए, राइट जाओगे तो अलीगढ़ के लिए ईस्ट UP। और अगर उस कट पर नहीं उतरोगे तो नेक्स्ट कट हमारा है जहाँ से हम लोग मुरादाबाद के लिए तक चले जाते हैं, जो डासना पे है बेसिकली कट इनका। डासना से राइट निकल जाओगे आप उसके लिए, और आगे चले जाओगे तो ये मेरठ पे उतार देता है दुहाई, जो कि लोग अब अवॉइड करने लगे हैं जाना, क्योंकि जब से मेरठ एक्सप्रेस वे बना है तो या तो लोग दिल्ली से ही उस पर चढ़ जाते हैं या फिर यहाँ से भी आप उस पर जो है लैंड कर सकते हो। तो मैं जो है अभी इस कट को मैंने ले लिया और मैं इससे जा रहा हूँ, उतरूंगा डासना, ग्रेटर नोएडा से डासना बाहर मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एरिया है या है ना। बाकी ये है देखो व्यू रियर कैमरा से, मज़ा आ रहा है ना। वैसे ये बहुत सेफ है माउंट लगाना, एक एक्सीडेंट हो रखा है भाई खतरनाक। ड्राइव सेफ गाइस, हालांकि रोड एक्सीडेंट्स अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरे हिसाब से तो इनका मेन रीज़न ये है कि जो ड्राइवर है ना वो काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं स्किल्स में। एक वीक से ज़्यादा हो गया जब से गांव से आया हूँ, तो याद आ रही है घर के खाने की, मम्मी के हाथ के खाने की, सबकी, और मेरे बच्चे की, मेरी वाइफ की, बीबी की, सबकी बहुत याद आ रही है, पापा की, सबकी। तो और मन कर रहा है कि यीशु तो पता नहीं पागल हो जाएगा, सीधे पापा गई, पापा की गई, पापा की गई, पापा की गई। देखते रिएक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को उसका कैसा लग रहा है, वो देखना, यही बोलेगा पापा गई, पापा की गई।
अभी आ गया हूँ इधर, मैं पेरिफेरल पे एग्जिट कर रहा हूँ इसको, मैं इससे जो है ना नीचे उतर रहा हूँ। ये टोल आ गया है, टोल को करते हैं क्रॉस। एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि अब छोटी छोटी कहता हूँ हमेशा, हाँ देखो टोल जो है ना, टोल देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करोगे गवर्नमेंट के जो पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है ना उन सब में आता है ये सब कुछ। तो अगर हाईवे मिनिस्ट्री है, जितनी नॉलेज है उतनी बता रहा हूँ, कि अगर उनके पास अगर पेमेंट नहीं पहुँचेगी, उनके पास पैसा नहीं पहुँचेगा, तो वो कहाँ से लगाएंगे, है ना। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई काम आप तभी करोगे जब पैसा होगा, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं। तो वो कहाँ से करेंगे जब उनके पास पैसा पहुँचेगा। पैसा जब कब पहुँचेगा, हाईवे मिनिस्ट्री के पास, जो हाईवे अथॉरिटी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेनली उनके पास तो पैसा जब पहुँचेगा ना, कि जब आप उनको पेमेंट करोगे, उनके पास पेमेंट के जरिए जो गवर्नमेंट उनको फंड अलोकेट करती होगी, मे बी वो हो सकता है, और बाकी वो अपना जो सेल्फ जनरेट करते हैं वो टोल्स ही हैं, और शायद जो RTO में जो कटता है रोड टैक्स वगैरह, शायद वहां से कुछ उनको जाता होगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी स्टेट के अपने PWD भी हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो अब PWD देखता है रोड्स वगैरह का ज्यादातर जो है ना, और स्टेट हाईवे अथॉरिटी होती होगी स्टेट हाईवे के लिए। तो टोल देना चाहिए। आप गाड़ी इस देश में देखो, सस्ती से सस्ती गाड़ी शायद मेरे ख्याल से 3-4 लाख से सस्ती तो क्या ही कोई गाड़ी होगी आज के डेट में, और महंगी गाड़ी भी है। तो यार जब गाड़ी लेके चल रहे हो सड़क पे, अच्छी सड़क पे भी चलना है, तो टोल देते हुए कौन सी तुम्हें अपनी वो करनी पड़ रही है भाई, कि नहीं हम तो बहुत बड़े वो बन के दिखाएंगे, चौड़ में दिखाएंगे। अरे यार 100-200 रुपए का, 150 रुपए का, 50 रुपए का, ज्यादा लंबे रूट पे जा रहे हो अगर जैसे आगरा वाले पे, तो शायद 500 के आसपास का, लखनऊ पे जाओगे, मतलब ठीक है जितना भी है, तुम जहां भी जा रहे हो टोल देने में तुम्हारी कौन सी शान शौकत घट रही है यार। टोल दे देना चाहिए भाई, टोल नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे आगे बढ़ोगे। रोड अच्छी तुम्हें मिल जाए, फ्री में मिल जाएंगी। अच्छी फिलॉसफी है यार जिंदगी की, मेरा ना कसम से बड़ा पाला पड़ता है इस तरीके के लोगों से भी। हर तरीके के लोग रहते हैं सोसाइटी में, रिलेशंस में भी हैं, फैमिलीज में भी हैं। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, अबे भाई गाड़ी लेके चल रहा है तो फिर टोल देने की हिम्मत रखना यार। कितना सा टोल है, फ्री कर दो सब कुछ लाइफ में। ये साला फ्री की मेंटेलिटी तो खत्म कर रही है ना, देखा है ना क्या हाल हो रहा है दिल्ली में और पंजाब में, क्या हाल हो रहा है। फ्री कैसे मिल सकती है जिंदगी में चीज, आप एक बात बताओ। मैं सबसे मेन बात आपको बताऊं, लाइफ में ना कुछ फ्री नहीं होता, कुछ भी फ्री नहीं होता भाई। कुछ भी चीज है ना जिंदगी में, उसकी पेमेंट है, एक उसकी कीमत है। कुछ फ्री नहीं है हमारी तुम्हारी जिंदगी में। तो फ्री के कंसेप्ट से बाहर निकलो और टोल दो, बढ़िया रोड मिलेंगी, मौज करो, गाड़ियां चलाओ अच्छे से, टाइम से घर पहुंचो, सेफली पहुंचो। हाँ आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हो, अगर कोई आप टोल दे रहे हो सब कुछ कर रहे हो, तो आपके पब्लिक राइट्स हैं आपके पास में, आप सिटीजन हो, आपके सिटीजन राइट्स हैं, ठीक है, आप नागरिक हो देश के, आपके अधिकार हैं कुछ, तो आप क्वेश्चन करो कि भाई क्यों खराब बन रही है सड़कें, इतने गड्ढे क्यों हैं, इस तरीके से क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम पे कर रहे हैं। तो वो आपका राइट बनेगा बाद में, पर उसके लिए पहले आपको टोल देना होगा, कीमत चुकानी होगी। कमेंट में बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। जोया पहुंच गया हूँ जी, जोया एग्जिट कर लिया है शायद मैंने। ओके क्या आ गया है, डिडोली। हाँ बस थोड़ी बहुत देर में मुरादाबाद, वहाँ छोटा सा काम है, उसके बाद सीधे अपने घर, अपने गांव, अपने परिवार के पास। मुझे ड्राइविंग करते हुए ना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए ड्राइविंग। पता नहीं है सो है,
कुछ लोगों की हैबिट होती है कि किसी को कुछ करके किसी को कुछ एक्टिविटी करके ना रिलीफ मिलता है, तो वैसे ही मुझे है। मैं जब ड्राइव करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चलती हैं ना, जो आपके दिमाग में, वो सारी की सारी जो है ना रिलीव हो जाती है, मेमोरी रिलीव होती है, उससे काफ़ी सारी मतलब बातें होती हैं, सेल्फ टॉक, यू नो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, तो वो सब चलता रहता है पीछे, बड़ा मज़ा आता है। ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, और ड्राइव करना मेनली, ट्रैवलिंग के टाइम पे स्टेयरिंग पे मेरे हाथ होने चाहिए, सबसे ज़्यादा मुझे यही देता है। मैंने कई बार कोशिश करी है को पैसेंजर सीट पर बैठ के कि शायद ये मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सुकून आएगा क्या, पर जो मज़ा स्टेयरिंग पे आता है ना, इस स्टेयरिंग व्हील को पकड़ के, वो किसी को किसी जगह बैठ के नहीं आता, सॉरी कहीं पर नहीं आता। मज़ेदार चीज़ है, कितने लोगों को पसंद है ये ट्रैवलिंग करना और ड्राइविंग करना स्पेसिफिकली, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में ना। और वैसे अभी तो फैमिली फ्रेंड्स हैं और कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर क्या बच्चा ही चैनल है मेरा अभी, तो अपने फीडबैक जो है ना प्लीज़ ज़रूर दो, कैसा लग रहा है, कैसे ब्लॉग्स मुझे बनाने चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने बोला है कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम और दो, दुनिया हालांकि टाइम देती नहीं ना, दुनिया किसी के लिए रुकती है, पर प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम मुझे ज़रूर देना, इतना पेशेंस रखा है, इतना प्यार दिया है ना, थोड़ा सा और करो, और होपफुली जल्दी मैं आपको फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फुल ऑफ लाइफ ब्लॉग्स देने वाला हूँ। कोशिश मेरी जारी है, चैलेंजेस हार्डशिप्स आ रहे हैं, नॉर्मल आते रहते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, अरे हाँ थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है मेरी इस टाइम पे, कांट टेल यू राइट नाउ एग्जैक्टली, ओनली आई नो, होपफुली आप साथ दोगे, ठीक है। और इस ब्लॉगिंग के सफ़र का जो है ना एक बढ़िया रिजल्ट्स मिलेगा, रिजल्ट्स नहीं रिजल्ट मिलेगा, एक ब्लॉगिंग के सफ़र का एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और इस सफ़र को और बढ़िया बनाएंगे साथ में मिलके। अभी मन तो है यार घूमने का, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट सम फाइनेंशियल इशूज आर देयर, इतना ज़्यादा अभी कर नहीं सकता, काम हैम्पर हो गया है, और पता नहीं है, मेरे कुछ और प्लान्स भी हैं कुछ खोलने के, दूसरे चैनल्स खोलने के, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर ना, कुछ चीज़ें तो इसी चैनल के थ्रू मैं बताता रहूँगा, बाकी कुछ और भी बताऊँगा, ताकि जो यूथ है जो अभी 20s में आ रहे हैं, 15 साल से लेकर 25 साल के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, उनके लिए थोड़ा सा एक उन्हें गाइडेंस मिले और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जो है ना स्टेबल कर लें। नॉर्मली मैं बाईपास से चला जाता हूँ मुरादाबाद से ना, पीछे जो है होटल रीजेंसी है, वहाँ से बाईपास जा रहा है जो कि रामपुर की तरफ जा रहा है। जब आप दिल्ली NCR से अगर नैनीताल की तरफ जाते हो ना, नैनीताल को जाते हुए, तो मुरादाबाद आपको अंदर नहीं आना पड़ता, आप बाईपास से निकल जाते हो और रामपुर होते हुए, बिलासपुर होते हुए, रुद्रपुर और देन हल्द्वानी, उस रूट से आप नैनीताल पहुंचते हो। या फिर एक दूसरा रूट है शॉर्टकट जो मैंने बताया था कि आप रामपुर ना जाके बाईपास करके क्रॉस करके मुरादाबाद को बाईपास से ही, वहां से एक लेफ्ट कट है, वहां से आप दलपतपुर से निकल के सीधा टांडा होते हुए जो है बाजपुर वाली सड़क पे, दड़ियाल बाजपुर और फिर कालाडूंगी, और कालाडूंगी से जो रास्ता गया है शॉर्ट रास्ता, थोड़ा सा वो हल्द्वानी वाले रास्ते के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा पहाड़ी रास्ता है, मोड़ जाता है। और तो मैं अभी फिलहाल इधर बाईपास से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर कुछ काम है, मुझे अंदर मौसा जी की दवाई लेके जानी है, जो मेरे मौसा जी हैं बराबर वर्ग के गांव वाले, अमन भाई हैं, जुल्फी भाई प्यार से जुल्फी बोलते हैं उसे, तो उसके पापा हैं, तो थोड़ा सा ये काम है, यहीं पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ से दवाई लेके फिर देखूंगा, या तो आगे कोई निकल जाऊंगा मार्केट है, या फिर वापस आके निकल जाऊंगा। अगर अंदर आज भीड़ मिली, जो कि संभावना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर से ही आ जाऊँ, थोड़ा सा मुझे पड़ेगा तो शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा 2-4 किलोमीटर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट फिलहाल आई एम इन मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद में आया हूँ, और
यहाँ से मैंने अपनी 12th की है, 11th और 12th जो है मैंने यहीं से की है। यहाँ से मैंने अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा मैं 6 सही बोलता हूँ क्या? लोग बड़ा बोलते हैं यार, क्या बोलता है छाछा, जैसे मैं पहले बोलता था छत्रिय ऐसे शिक्षा। खैर और बताइए क्या मौज आ रही है आपको जिंदगी में? अभी मैंने ड्राइविंग करते हुए ना फुल वॉल्यूम पे गाने सेट कर रखे थे, वो चलाते हुए आया हूँ, अच्छा लगा है भाई। कभी कभी क्या, अपने आप को भी खुश रखना बहुत जरूरी होता है, और मेरे लिए तो इस टाइम बहुत जरूरी है क्योंकि मैं पास्ट की मेमोरीज में ही चल रहा हूँ, जो निकल ही नहीं रही है, निकाले सुन निकल रही है, निकाले ते नहीं निकल रही है। सो आई एम इन मुरादाबाद और यहाँ से थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, आई टॉक यू लेटर, लेट मी टेक अ टर्न। तो मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल, बट यहाँ पार्किंग की समस्या है थोड़ी, एक तो कट नहीं है उधर से आने के बाद आपको प्रॉपर कि आप उधर जाओ लैंड कर जाओ, और ऊपर से हॉस्पिटल की पार्किंग भी अच्छी नहीं है। ठीक है क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं जरा अंदर, काम निपटाते हैं फटाफट से। दवाई ले ली, ये काम हो गया, थोड़ी सी गहमा गहमी हुई किसी बात को लेकर, उसका कंसर्न भी अपनी जगह ठीक है, कुछ उनके मॉनेटरी ड्रामे भी हैं कि बार बार पेशेंट आएगा पैसे देगा, उसके कंसल्टेंसी के फिर हम रिलीज करेंगे दवाइयाँ, तो कोई बात नहीं फिलहाल, जितने दिन की बोला था अमन ने उतने दिन की तो नहीं और थोड़े से कम की मिल गई, तो अब चला जाए यहाँ से, निकला जाए, लेट्स गो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है निकलूँगा बाईपास के थ्रू, क्योंकि अंदर जाम भी है और मुझे बाईपास पे पहुंचना ही है, तो इधर से ही निकलते हैं, थोड़ा सा एक टाइम तो लगभग बराबर ही लगना है, किलोमीटर्स ज़्यादा हो जाएंगे वो मैनेज कर लिए जाएंगे। ओके लेट्स गो। पानी अब लिया है मुरादाबाद के, जब से सोच रहा था कि यहाँ रुक जाऊँगा वहाँ रुक जाऊँगा पानी लेना, पर नहीं यहीं लिया आके, ऐसे ही हूँ मैं कि जब जब मैं शुरू करता हूँ कोई काम तो फिर मैं रुकता है, मेरी आदत है, बस थोड़ा सा लंबा टिकने की आदत नहीं है, एक बार लंबा अगर टिक गया काम में किसी तो मौज आ जाएगी। फिलहाल ब्लॉगिंग में ये जो चैलेंज है चला जाए फिर। पंजाबी गाने, लॉन्ग ड्राइव, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव हो बट मैं ड्राइवर हूँ, बस ये है मेरा फेवरेट 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 क्या कहना चाहिए कॉम्बिनेशन, पंजाबी सॉन्ग्स, लॉन्ग ड्राइव, माय हैंड्स ऑन द व्हील, दैट्स इट, सिंपल लाइफ। ਕਦਾਏ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਡਲੇ ਦਾ।
की वीडियो में फर्क देखो, वहाँ पॉल्यूशन की वजह से इतनी ना क्लैरिटी नहीं आती वीडियो में जितनी यहाँ पे आ रही है। अभी मैं आ गया हूँ मुरादाबाद से निकल गया हूँ दलपतपुर से, मैंने बोला था ना लेफ्ट लेके जो टांडा के लिए रास्ता है बेसिकली डूंगरपुर पड़ेगा, वहाँ से राइट और फिर टांडा दढ़ियाल काला डूंगी के लिए जो रोड गई है। तो अभी गांव ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आधा घंटे की ड्राइव है। और देखो खेत ही खेत हैं, वैसे फार्मिंग लैंड ही है ज़्यादातर, ग्रामीण क्षेत्र है तो ऑब्वियस है फ्रेश एयर तो होनी ही होनी है। क्लैरिटी देख लो आ गई है, नॉर्मल सी सड़क है बट अच्छी लग रही है यही फर्क है। बाकी जो पीछे मैं गाने सुने होंगे पंजाबी गानों में स्वाद आ रहा है नहीं थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू रहता है, अभी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कितना लगा सकते हैं कितना नहीं लगा सकते हैं, पर शायद 10 सेकेंड से कम 8-9 सेकेंड या 6-7 सेकेंड तक अगर लगाओगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा। देखते हैं इसमें आएगा या नहीं आएगा, अभी आपके लिए मैंने लगाए तो है, ये स्वाद आ रहा है नहीं, ये मेरी चॉइस के गाने हैं, ऐसे गाने सुनते हुए जाता हूँ जब भी लॉन्ग ड्राइव पर होता हूँ ना, ये मेरे फेवरेट गानों में से एक है। ज़्यादा मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती, तो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ बट पता नहीं क्यों कनेक्शन है बचपन से ही चाइल्डहुड, हाँ क्योंकि अजीब ही कनेक्शन है कुछ। शुरू में जब बचपन में छोटा था ना तो कैसेट भरवाने के लिए जाता था मैं पंजाबी गानों की, अब मैं भूल भी गया उस टाइम पे बब्बू मान के गाने बहुत चलते थे उस टाइम पे, बब्बू मान और एक अपने वो गंजे भाई साहब थे नाम भूल गया हूँ मैं, बहुत 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 अच्छे फेवरेट सिंगर थे उस टाइम पे, बहुत चला बंदा वो। तो ये गाने मुझे पसंद है, ये मेरे जो है ना पसंदीदा गानों में से हैं पंजाबी गाने, सही से गाने हो एनर्जी रहती है एकदम फुल जबरदस्त मस्त, वाइब्स इतनी पॉजिटिव आती है इनसे कि बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ना ये सिंगल रोड्स ज़्यादा खतरनाक है मैंने पहले भी बोला, तो इन पे जब प्रॉपर मार्जिन अगर मिल जाए तभी निकाला करो, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ इसके पीछे ओवरटेक करने की बट दो ट्रक है, एक आगे शायद मेरे ख्याल से गैस या किसी फ्लूड वगैरह है कोई उसमें, एक पीछे ये डंपर जा रहा है, इन दो से निकालने में ना काफ़ी लंबा स्ट्रेच पार कर दिया मैंने, पर इनसे ओवरटेक कर नहीं पा रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए जब तक प्रॉपर मार्जिन ना मिले, ओवरटेक बिल्कुल मत करो, यू नेवर नो आगे क्या आ रहा है। देखो जैसे कि आगे डीसीएम आ रही है सो आई कांट ओवरटेक, पीछे पीछे चलते हैं अपना प्यार से जहाँ तक भी चलेगी कहानी, जोश में होश मत खो देना भाई लोगो, गानों के चक्कर में ना गानों से क्या होता है कि जब आप गाने सुनते हो एनर्जेटिक गाने सुनते हो जो आपको पसंद आते हैं ना तो आप दीवाने हो जाते हो, जोश से परिपूर्ण हो जाते हो, वो जोश जो है ना आपको भारी भी पड़ जाता है, तो उस जोश में होश का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है ड्राइविंग करते हुए, बहुत से लोग तो घूस ही देते कहीं को जाने दे जहाँ जा रही है, तो जोश में होश खोना मत, गाने सुनो मौज मस्ती के ड्राइव करो और अपना सही से चलो। अभी होली पर जो है ना हमारी दावत होती है मामा के घर, मैं तो भूल ही गया कि अभी लोग ये बुला रहे थे सारे के सारे, अमन भी कहता कि भैया इधर ही आ जाओ, जीजा जी घर पे थे वो वेट कर रहे थे, पर वहाँ जाऊँगा लेट हो जाएगा तो उनसे बाद में मिल लूँगा सब लोगों से, तो शायद हम लोग हमारे यहाँ उनकी दावत होती है होली पर, हमारे यहाँ ना जो जीजा और फूफा जो होते हैं मतलब बहनों की दावत होती है, ये हमारे यहाँ की रस्म है, पता नहीं कितने लोगों के यहाँ होती होगी, तो आज हमारी दावत है आई थिंक रामनगर में, मामा का घर मेरे गांव के बिल्कुल बराबर में है, दो गांव कहने को दो गांव हैं, बीच में सड़क जा रही है और एक तरफ हमारा गांव है एक तरफ उनका गांव है, पास में ही है 1 किलोमीटर भी नहीं होगा शायद हमारे घर से। तो मैं बचपन से जाता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे यहाँ पास पड़ोस इतना ज़्यादा था नहीं, उधर मामा के जो लड़के हैं जो बच्चे हैं भाई हैं सुमित सचिन बड़े, उनसे अपना शुरू से ही आना जाना रहा क्योंकि वो हम उम्र हैं, सचिन थोड़ा सा बड़ा है, सुमित तो मेरे साथ पढ़ा है तो उससे वैसे ही बॉन्डिंग है। तो आज दावत है होली की, मैं डायरेक्ट सीधे रामनगर जाऊंगा, मुझे इशू वहीं मिलेगा, चांदनी भी वहीं पे है, कह रहे थे कि वहीं यहीं आ जाओ डायरेक्ट, चलते हैं वहाँ चल के दावत खाते हैं, दावत होली की दावत में आपका स्वागत है, हैप्पी होली शुभ होली, भगवान सबको सुखी रखे, कल्याणकारी हो जीवन सबके लिए, और होली में
रंगों से भर दे आपकी दुनिया। ओके गाइस, कीप मूविंग, लगे रहो अपने अपने विजन में, अपने अपने मिशन में, और हम भी लगे हुए हैं। एक्शन ज्यादा लेने का नहीं, हालांकि मैं ही लेता रहता हूँ, बट ज्यादा लेके कुछ होगा नहीं। इस टेंशन से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। कितना होगा वक्त बताएगा। लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। नेगेटिविटी को हटाओ, रिग्रेट्स को हटाओ। ओके गाइस, बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर मत होना यार, प्लीज प्लीज, छोटी सी रिक्वेस्ट है, बोर मत हो। लो ये लो, फिर आपको जो है बोरियत से हटाने के लिए एक छोटी सी वाइट सुनाता हूँ, जो अभी गाना सुन रहा हूँ। ये लो, पेश है गाना आपके लिए। ये टर्न है दलपतपुर से आते हुए, सीधे आप काशीपुर निकल जाओगे अलीगंज होते हुए, बट हम राइट टर्न लेंगे, और राइट टर्न लेके आप पहुंचोगे टांडा, मानपुर आएगा और फिर आएगा टांडा, टांडा के बाद दढ़ियाल, दढ़ियाल के बाद आएगा आपका मसवासी, और थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे ऐसे ही करते 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 बाजपुर वगैरह से निकल के सीधे कालाडोंगी एंड देन नैनीताल। सो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर नैनीताल। ओके गाइस, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर देन यू कैन टेक दिस रूट, इट विल लीड यू टू नैनीताल इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, लेस देन अदर रूट्स। ओके लेट्स गो। देख रहे हो हरियाली आने लगी है, अलग ही थोड़ा सा जो है ना एटमॉस्फेयर डस्टी टाइप है, ठीक है, इट्स अ गुड वन। गाने सुनोगे पंजाबी गाने और सुनाओ, मजा आ रहा है। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਦਿਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ गांव की तरफ मुड़ गए जी, गांव की हरियाली देख लो, गेहूं बाल निकल गई है पूरी, पकने की स्टार्टिंग ही होगी अब इनकी, जितने जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे पकेंगे। ये सामने कॉन्वेंट स्कूल है यहाँ पे ना, काफी बढ़िया जगह है एकदम, बिल्कुल ग्रीनरी खेतों के बीच में। ये है जी जहाँ हम पैदा हुए, वो क्षेत्र पास में ही गाँव है, बस यहाँ से हार्डली शायद 3 किलोमीटर मैक्सिमम होगा, मैक्स टू मैक्स, बीच में गांव पड़ेगा, वहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ हमारे जीजा जी हैं, एक मेरी बहन है वहाँ पे, एक मेरी बहन है, दो बहन हैं और भी काफ़ी रिश्तेदारियाँ हैं। तो ये है हमारा गांव, गांव, पिंड, पिंड का क्षेत्र ये है जी, देसी अपना। गाने मुझे बाकी जो है ना सूफी भी बहुत पसंद है, और सूफी सॉन्ग्स में अभी आज की डेट में जो मैं सुन रहा हूँ, एक ग्रेवाल जी हैं, अभी रिसेंट में मेरे को पता चला, वैसे तो मैं सतिंदर सरताज का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब पिछले कुछ टाइम में ना एक उदारियां गाना है वो बहुत फेवरेट है, ज्यादातर देखोगे मेरी स्टोरीज पे मैं उदारियां लगाता हूँ, जहाँ कहीं पे भी टीवी पे अगर मैं 4K क्वालिटी अगर चेक करता हूँ ना टीवी की, एलईडी की,
उस पर गानियां लगाऊंगा उदारियां 4K। बाकी ये ग्रेवाल है, शायद करण ग्रेवाल है नाम, यानी ग्रेवाल तो है, करण पता नहीं, सरनेम तो ग्रेवाल है। बहुत जबरदस्त सूफी सिंगर है, बहुत जबरदस्त पंजाबी, गाने अलग ही हैं यार। अभी फिलहाल तो पता नहीं ये कौन सा है जो मैं सुन रहा हूँ। ये जो गाना चल रहा है ना, सतिंदर सरताज का ही निकला, मुझे नहीं पता था। बहुत बढ़िया आवाज है, सूफी जो सॉन्ग्स होते हैं ना बढ़िया है, वो टेस्ट है मेरा भाई, सूफी सॉन्ग्स पसंद आते हैं, बहुत रिलैक्स फील होता है सुन के, और डाउन टू अर्थ बंदे होते हैं ज्यादातर सारे के सारे, डाउन टू अर्थ। ये गांव है, इस गांव से मैं पास कर रहा हूँ बीच में, जो मैंने बताया था जहाँ पर जिया जी है, इसके बाद मेरा और मेरे मामा जी का गांव आएगा, वो दोनों के दोनों मिले हुए गांव है, तो अब उधर को ही हम लोग चल रहे हैं। ये लोग प्योर हरियाली, बरसिंग और गेहूं, बरसिंग जो है चारे के काम में आता है, कहीं बरसिंग कहते होंगे, बरसिंग बरसिंग कहते हैं हमारे यहाँ, चारे के काम में आता है पशुओं के, और जितना हरा भरा खाएंगे पशु उतना ही दूध भी बढ़िया मिलेगा। सो दिस इज प्लेज एरिया नियर टू माई प्लेज, खड्डा है भैया, खड्डा है, खड्डा है, खड्डा है, गन्ना, गन्ना तो है नहीं, गन्ने का टाइम भी पता नहीं, जाड़ों के टाइम पे घटता है गन्ना। इतना सारा तार किस बात का पड़ा, तार नहीं है भाई, ये पाइप है, देख रहा हूँ राइट में, पाइपलाइन फाइबर है क्या, कुछ ना कुछ तो है, काम तो भाई ठीक चल रहा है। राइट निकल जाता मैं ना उधर की साइड में तो अपने गांव की तरफ को चला जाता, और ये बाग हैं, बागों के बीच में से होते हुए मैं जा रहा हूँ जो है अपने मामा के घर, जो कि आपको दिखाई देगा, पहले ब्लॉग में भी दिखाया था सुमित भाई की शादी पे। और ये रहा, यहाँ पे घूरियां हैं, घूरियों के बीच में से गांव में ऐसे होता है यार, सड़कों पे ही डालते हैं, थोड़ा सा वेस्ट मैनेजमेंट का जो गांव का जो हिसाब है ना, मेरा मन है इस पे काम करने का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रॉपर एक मॉडल बनाने का, मॉडल विलेज, बहुत टाइम से लेकिन खुद की बदतमीजियों की वजह से ना बना नहीं पाया हूँ, कर नहीं पाया हूँ काम, बस खाली बर्बल है। तो अभी हम आ गए हैं, ये मामा के घर है, लेफ्ट में भी है और ये भी है, ये सब मामाओं के परिवार हैं मेरे। अभी हम लोग आ गए हैं, आ जा बेटा, नमस्ते बाबू, चलो जी अंदर को चलते हैं। सो ब्लॉगर साहब ब्लॉगिंग कैसे छोड़ देंगे, अब तो हर जगह ब्लॉगिंग मिलेगी। लो जी मैं आ गया, चांदी वगैरह खाना खा रहे थे, देखते हैं जी। ओहो देखो बंदर भी हैं इधर, अपने पापा गाड़ी आए हुए, वो आया होगा जरूर, इच्छू पापा गाई करके जरूर, बाबा गाई। ये बंदर भी हैं, अभी दिखाऊं, मजे ले रहे हैं फुल। तो उतरा जाए, पहुंच गए हम लोग दावत में, पहले दावत खाएंगे फिर यहाँ से फिर चलेंगे घर। ओके रिएक्शन दिखाता हूँ ईशू का, कैसे करेगा देखना, पागल हो जाएगा यार बच्चा मेरा। बैठे थे भाग गए, चलो फिर चला जाए। अरे हिमांशु भाई हैं उधर, आइए अरुण चलते, अमन उधर ही है क्या, अच्छा नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राम राम जी, राम राम, नमस्ते नमस्ते, हाय नमस्ते, हाँ जी आइए आइए, आप भी आइए, जल्दी आइए, किधर है तू, पहन दे पहले, लो ये लो, ये तुम तुम्हारे तब आइए। हाँ ईशू कहाँ है, सो गया, अच्छा
मिलो पर्रो जी से गाइस, बहुत दिनों बाद पर्रो जी मिल रही हैं, 8-9 दिन बाद, ज्यादा दिन बिना हुए। अरे इधर ये सब हैं, राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल है? बस बढ़िया। और डॉन भाई साहब इज हियर, देख रहे हो डॉन, ये है अंकित भाई, 50 का रहा, और है अपने जुल्फी भाई, अरे ये रहे हिमांशु जी। होली खेल गए, हैप्पी होली तो बोल दे, हैप्पी होली गाइस। ओके, दावत खाने के लिए इधर आ गए। इशू कहाँ? ये है हमारी धर्मपत्नी चांदनी जी, इनसे मिलिए। सो गया वो? अभी जस्ट अभी सोया था, मैं जाना। किधर है? इसी रूम में। अच्छा, सो गया यार टिड्डू, जब जागेगा तब उसका रिएक्शन दिखाऊंगा मैं। भाई मैं लेट आया हूँ, बोल रहे हैं खाना खत्म हो गया। ला भाई खाना लाओ खाना। मेरा मतलब ये था, ज्योति जी देखो जी, ये दावत का सिस्टम हमारा, ये सारी की सारी बहनें लग रही हैं और भाभी लग रही हैं इधर। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी भाई, हैप्पी होली बोल दो मेरे सब्सक्राइबर को सबको। ये क्यों से तो इतनी पागल लड़की है, पागल है पागल। हेलो गाइस, मजाक में भैया पार्टी देखने, अभी खाना खा के हम बड़े मामा की तरफ खाना खा के, दावत खा के, पनीर और क्या क्या था, आलू और वो थी चावल पूरी और दाल वाली वो थी सैलेड और दाल वाली पूरी वो जो डाल के, अब आ गए हम छोटे मामा की तरफ, इधर पर्रो की तरफ। ये चाय बनाई है, इसमें चाय पियेंगे, बैठ जाओ। ओ नाश्ता भी लेके आ रही है ये, वाह वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। परी जी लेके आई है नाश्ता, होली की दा, होली की दा, होली की दावत में। अम्मा जी विश्राम कर रही है, अम्मा मौसी लेटे रहो, लेटे रहो। बंदरों ने कर दी ऐसे सी, पापा की गाड़ी का वाइजर तोड़ दिया, ये पड़ा है, शीशा ले गए साले, पता नहीं क्या करेंगे शीशे का देख के अपने आप को। और मेरी गाड़ी में देखो, मेरी गाड़ी का एंटीना तो कर ही दिया इधर को, और ये रबड़ निकाल दी पूरी, ये पहला भी कर चुके हैं ना, आदत है। ये देखो ये पूरी अद्दे यार, मर गए तो दिक्कत होगी, होली में रंग जा रही गुलाल। हाँ ओ पापा जी, ये चौथे आया मेरे बच्चा, मेरे बच्चा पापा गई पीछे आ गई छे, राम राम बोल रहे, राम राम बेटी उठ जाई, राम राम क्या तो, राम राम। देखिए चाबी है इसमें, जेब में, इसमें कर लिए। पीछे बंदरों ने बेटा नुकसान कर दिया गाड़ी का, थोड़े सब कर दिया बेकार। ओल क्या ओल्ड इज ओले, बाबा की गाड़ी का कागज दिया बंदर ने, ओले ओले मामा जी गाड़ी चाहिए, दो दे दो बेबी, चाहिए चाहिए चाय भी है, पापा गई। चलो भाई, अभी बंदरों ने हमारी गाड़ी का नुकसान कर दिया है गाइस, पर मेरे को मिल गया मेरी बेटी नीचे। कहते लाइक करो, कहते लाइक करो, हेलो गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो पापा के चैनल को। मेरी बेटी बोल दो, नहीं बोलेगी, चुईया हो गई मेरी बेटी, चुईया। हेलो गाइस, बंदरों ने नुकसान कर दिया होली पे, हैप्पी होली मामी, हैप्पी होली सबको। अच्छा, दावत खा के हम चल रहे हैं पेट पूजा करके, ओके बाय बाय गाइस, हैप्पी होली। दावत खिलाने के बहाने रंग लगा दिया है, ये देखो सबके सबके रंग है सबके, होली चल गई है, होली हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस, होली चल गई है, होली है, होली है, होली है, चलो चलो चलो, बुआ जी बुआ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं बेटी कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, पापा गई, चलो बैठो,
इसी कुछ नहीं कह रहा, उसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ मैं। मामा जी मैं आपके साथ बैठूंगी। हाँ इसी को दीदी का भी है। चलो इसे भैया को बैठाओ। नहीं दीदी को बैठा लो, आप दीदी के साथ हो जाओ। नहीं नहीं दीदी को बैठा लो। मम्मा इसे बैठा दो, बेटी को मेरी। चलो बेटी बैठो। चलो जाओ। अरे यार पूरे पे हो गया सूट पे। कोई बात नहीं ऊपर बैठाओ। चलो बैठाओ बैठो दीदी के पास। इसी जाओ दीदी पास। तानी नहीं आओ, तानी पीछे आ जाना आप। आओ मुझे गंदी बात है, किसी ने किसी को नहीं बैठने दिया, गंदा बच्चा। पापा उधर आ ले। चलो जी चलो, हैप्पी होली सभी को, होली मुबारक हो, होली की शुभकामनाएं। मोटी जी मोती हैप्पी होली। अब बैठ जाएगा। चलो बेटे आओ, फुप्पू को भी बैठाओ। चलो चलो फुप्पू को बैठा लो। तो हम लोग होली खेल के अब जा रहे हैं अपने गांव, अपने घर मामा के यहाँ से। और हमें सबको रंग भी कर दिया है। हैप्पी होली गाइस सभी को। हम लोग आ गए हैं अपने घर और देखो इसे क्या कर रहा है मेरा बच्चा, तेरा समझदार है। गाड़ी में से कपड़ा निकाल के गाड़ी साफ करने लग गया। चलो आओ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। ओके आई एम एट माई होम विद माई लव। ओके मेरा बच्चा और मैं सोनी। पापा कर देंगे, पापा आपके लग जाएगी यहाँ पे। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके ओके हो गया। ओके लगता है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, कीप लविंग कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी होली।